और तू रो क्यों रहा है? तू पागल है रो क्या? क्यों रहा है? अरे ऐसे आंसू आ जाते हैं यार, नहीं, मेरे थोड़ा को पता है। होता नहीं कि कोई इतनी मेहनत करता है। देख मेरी बात सुन, तू तेरे को मेरी कसम है, दूर हट पहले, इधर देख, इधर इधर देख तो सही। सोनिया दे, रो मत, मेरी बात सुन, सुन तो सही, पहले बात तो सुने, पहले ही रो रही है तू तो। क्या हो गया? अरे अरे पागल ही क्या, मेरे पास तो रुमाल भी नहीं है तेरे लिए। रहा है और उसके लिए क्या करूँ यार, रोना तो मेरे को भी आ रहा, बट बोलते हैं ना कि लड़के कभी रोते नहीं है। पता है दुख इस बात का नहीं है मुझे कि मेरा अकाउंट उड़ गया, दुख इस बात का नहीं है मुझे, दुख इस बात का है कि मैंने कितनी मेहनत करी अकाउंट पे, लड़के रोते नहीं है। तो यही था यार, मेरा अकाउंट उड़ गया, और देखते हैं अगर कल तक रिकवर होता है तो। तो भाई सोनिया आ चुकी है। क्या हुआ? आ गई? आ गई मैं। उस दिन के लिए सॉरी यार, वो प्रैंक था सच में यार। हैं? मैं कैसे मान लूँ वो प्रैंक था? तुम्हारी तो तुम गर्लफ्रेंड ने भी कॉल नहीं उठाए। कहते ना, जिसके लिए खड्डा खोदते उसमें खुद ही नहीं, गिर जाता वो है मेरी इंसान। फ्रेंड थी, सच में फ्रेंड थी, कैसे बताऊँ तुम्हें। वो लड़की खुद फोन नहीं उठा रही मेरा, मैंने उसको तुम्हारे सामने उस दिन फोन करा था, उसके बाद मैंने कल वापस करा था रिटर्न फोन उसको। तो क्या पागल हो, तुम्हें समझना चाहिए। हर लड़की को इतना आसानी से बेस्ट फ्रेंड बना लेते हो, तुम्हें यही नहीं पता कि सामने के दिल में क्या फीलिंग्स होगी, दोस्ती वाली होगी या नहीं होगी। उसने कॉल क्यों नहीं उठाया तुम्हारे? इसलिए नहीं उठाया ताकि वो चल, तुम्हारे और मैं मेरे बीच में। पहले चॉकलेट लेकर आया हूँ, मैं तेरी फेवरेट वाली। हाँ तो मैं क्या इनसे इंप्रेस हो जाऊंगी और तुम्हारे को कुछ भी नहीं कहूंगी? सॉरी यार, मैं प्रैंक कर रहा था, प्रैंक नहीं करूंगा तो अपना काम कैसे चलेगा, अगर ऑडियंस को भी थोड़ा यूनिक मिला देखने के तो लिए। ऐसा नहीं करना कुछ चाहिए लोगों था की न तुम्हारे को यार। मैं ना मतलब कुछ लोगों की नजरों में बुरा बन गया, कुछ लोगों के लिए हाँ थोड़ा फनी बन गया। तुम्हें सोचना चाहिए था। तुम्हें क्या पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम मेरे साथ इतना ऐसा प्रैंक कर रहे थे यार। और अगर मैं तो एक लड़की हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम मेरे पे अगर ये प्रैंक भी, चलो ठीक है, अगर ये रियल भी होता ना, मैं कुछ भी नहीं कर पाती मेरी लाइफ के अंदर। तुम्हें पता है मैं ना तुम्हें थप्पड़ मार सकती, ना मैं तुम्हारे को वैसे पीट सकती, ना तुम्हारे पे मैं कोई प्रॉब्लम खड़ी कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती थी मैं। चॉकलेट लाया मैं तुम्हारे लिए, चॉकलेट खाओ पहले, तुम चॉकलेट खानी है, माफ कर दे यार, प्रैंक था, बस ओनली प्रैंक था सच में यार। तुम्हें कैसे यकीन लाऊं यार सोनी यार, यही तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मैं वो कैसे लड़की ना, यकीन वो कर प्रूफ लूँ। बना, लड़की की चैटिंग पड़ी है मेरे पास और सारी, तुमने मुझे आईडी दी, बोला कि ये लड़की ये आईडी ले ले। और आईडी तक तक तुमने मैंने खोली तो मेरे को उस बंदी ने ब्लॉक कर रखा है। मैं कैसे तो उसकी आईडी मैंने दे? करवाया था ब्लॉक उसको बोल के, मैंने बोला सोनिया को ब्लॉक कर दे ताकि अपन को पता चले। पहले से प्लानिंग बने भी थी तो फिर सोनिया क्या कर सकती है इसके अंदर, वीर सम्राट। लो चॉकलेट खाओ। वैसे मेरे को तो तुमको कुछ बताना है, क्या चलो कोई ना, मैंने तुम्हारे ऊपर प्रैंक करा तो, बट मेरे साथ भी एक बुरा हो गया, क्या हो गया? तो मैं बताऊंगा ना तो शायद बहुत बुरा लगेगा आई थिंक तुम्हें, लेकिन सच में बहुत बुरा लगेगा वो। ये चॉकलेट खाओ, नहीं तू खा, तेरे को मेरी कसम है, देखो मेरी भी कसम है। पहले मेरे को माफ़ कर देता हूँ, बोला माफ़ कर दिया, मैं खा लूँगा खुद ऐसे, ऐसे नहीं खाएगा। बोलो माफ़ कर दिया, नहीं नहीं खाऊंगा मैं, बोल दो, बोलो माफ़ कर दिया, नहीं खाऊंगा मैं, बोल दिया ना, बोलो माफ़ कर दिया। एक शर्त पे बात बता, क्या है पहले? बाद में बताऊंगा, और दोबारा मेरे पे इतने गंदे प्रैंक ही नहीं होने चाहिए। प्रैंक तो होते रहेंगे लेकिन देखो, ऐसे नहीं होंगे। और आगे देखा जाएगा प्रैंक का, प्रैंक का ठीक है ना। और वो लड़की फ़ोन नहीं उठा रही है तो आई थिंक उसने वीडियो भी देखी होगी, मैंने पीछे वीडियो के लिए जो उसके लिए बोला, बट उसको फ़ोन उठा के एक बार बात कर लेनी चाहिए तुमसे, लेकिन उसने तुमसे बात नहीं करी। मुझे बात बताओ, बात क्या है? बल्कि तुम्हारा फेस दिख रहा है मुझे कि मेरी बात से बढ़कर कोई और बात है जो तुम्हारे फेस को इतना मुरझाया रख रखा है। सही है, तुम्हारी शक्ल कोई भी देख के बता देगा कि वीर सम्राट। गर्लफ्रेंड का तो चक्कर नहीं है ये, तो किसका चक्कर है? क्या चक्कर है बता? टक्कर तो कुछ नहीं, मेरे देखो मेरे को तो देखो मेरे को इसलिए इन चीजों का इतना पता इसलिए है, बल्कि चाहे आपकी मेरी लड़ाई हो, चाहे कितना झगड़ा हो, अपन मारपीट करे, कुछ भी करे, तुम आज तक तुम्हारा चेहरा इतना मायूस नहीं रहा है जितना अब भी दिख रहा है। ये तो है नहीं है कि मैं कहीं शादी कर रही हूँ जो तुम्हारा मुंडा फूल सा होने वाला, इतना सा हो रखा है, इतना सा। है ना।
और तू रो क्यों रहा है? तू पागल है रो क्या? क्यों रहा है? अरे ऐसे आंसू आ जाते हैं यार, नहीं मेरे थोड़ा को पता है। होता नहीं कि कोई इतनी मेहनत करता है। देख मेरी बात सुन, तू तेरे को मेरी कसम है, दूर रख पहले। इधर देख, इधर इधर देख तो सही। सोनिया देख, रो मत, मेरी बात सुन, सुन तो सही, पहले बात तो सुन। है पहले ही रो रही है तू तो, क्या हो गया? क्यों अरे पागल ही क्या, मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है तेरे लिए। क्या हो गया, चुप हो जा, मेरी बात, तेरे को मेरी कसम। इधर देख मेरी तरफ, बात तो कर मेरे से, देख मेरे से बात कर, मैं बताऊँ क्या हुआ। रो क्यों रहा है? ये बता सारी प्रॉब्लम क्या, मैंने पिछले जन्म में कोई गुनाह किया जो सारी प्रॉब्लम मुझे मिल रही है? हाँ रुकना, एक मिनट रुकना, आंसू मत पोछ। वो मैं रो नहीं रहा हूँ तेरी तरह, नहीं कर रहा हूँ, आंसू आ रहे हो। मैं क्या करूँ, निकल रहा हूँ, ऑटोमेटिक निकल रहे मेरी आँख में, आँख में से क्या करूँ? मेरा अकाउंट डिलीट हो गया इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हो गया। हंस रहा है और उसके लिए क्या करूँ यार, रोना तो मेरे को भी आ रहा, बट बोलते हैं ना कि लड़के कभी रोते नहीं है। हुआ? अभी 1 घंटे पहले मैसेज आया था मेरे पास, 20 जुलाई को। तो सुन तो सही, वो पता नहीं ऐसे कुछ दिखा रहा था, मतलब मैं कोई कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ चल गया। और इंस्टाग्राम पता नहीं क्या होगा, जो भी होगा जो देखा जाएगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम आनी है सब मेरे साथ ही हो रही है। देखो मेरी फेसबुक पेज पे पता नहीं क्या हो गया, आज 2-3 महीने हो गए ना कोई वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ। और कभी तुम्हारी कोई गाड़ी की नंबर प्लेट तोड़ देता है, कभी तुम्हारे फेसबुक पेज पे कोई कुछ कर देता है, कभी तुम्हारे इंस्टाग्राम पे प्रॉब्लम आ जाती है, कभी यूट्यूब पे स्ट्राइक आ जाती है तुम्हारे। मुझे समझ ही नहीं आता है तुम्हारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। बाकी वो लोग अरे मर गए क्या जिनके साथ बुरा यकीन नहीं हो होना रहा, अभी भी दिखा चाहिए? था अंदर, कोई नहीं सीन चल मान रहा था। सकते, तू झूठ बोल रहा है मेरे को। ये यकीन नहीं है तो ये देख ले, मेरा अकाउंट नहीं खुल रहा है। और आई थिंक ये लोग कल वीडियो भी देखेंगे ना, आई थिंक उनको समझ में आ जाएगा। ये देख, ये देख। और मैं सॉरी, मतलब मेरी गलती के लिए सॉरी बोलने के लिए बुलाया था यार। और मैं यहाँ पे कैमरा भी लगा रखा हूँ, तो मैंने सोचा यार ऑडियंस को भी बता देते थोड़ा सा। और गाइज यार देखो यार, ये क्या बताऊँ हम लोगों को, वो कैमरा लगा रखा मैंने उधर, ठीक है ना? ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैंक नहीं कर रहा हूँ। तुमने खुद ने देख लिया अकाउंट, वो सस्पेंड योर अकाउंट, इसकी शॉट मार दूंगा, मेरा इसको दिखा दूंगा आप लोगों यार जिनकी को। मतलब है प्रॉब्लम आनी ना, चाहिए उनकी क्यों नहीं आती है? ये फोन दिया कुछ छुपा रखा हूँ मैंने माइक के लिए। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ यार, देखो इतनी मेहनत करने के बाद, मैं पता है दुख इस बात का नहीं है मुझे कि मेरा अकाउंट टूट गया, दुख इस बात का नहीं है मुझे, दुख इस बात का है कि मैंने कितनी मेहनत करी अकाउंट पे। लड़के रोते नहीं है। तो यही था यार, मेरा अकाउंट उठ गया। और देखते हैं अगर कल तक रिकवर होता है, तो आज 20 जुलाई है, मतलब शाम का टाइम है, तो कल तक होता है तो रिकवर ठीक है, वरना आप लोगों को ना मैं नया अकाउंट बनाएंगे और मेहनत करेंगे। ऐसा सोचेंगे कि यार ना मत कर पागल है क्या, रहने दे। मतलब है ना, जो लोग हंसते थे ना मेरे पे, आज उसको उनको और हंसने का मौका मिल गया मेरे पे। चलो कोई बात नहीं, उस चीज की कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरा अकाउंट गया कैसे। मैंने आज तक कोई चीज नहीं डाली इंस्टा अकाउंट पे, ऐसी कोई चीज जो कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ जाऊं मैं, आज तक ऐसा ही नहीं। मतलब बहुत मेहनत करी तुम्हारे भाई ने और आप लोगों को इतना इकट्ठा करा। कोई बात नहीं, तो और मेरे चैनल पे मेरी आईडी पे वीडियो डालेगा, मेरी आईडी ले नहीं, ले, मेरे को अकाउंट मैं तो नया चैनल बना लूंगी। अकाउंट अगर नहीं भी आ गया ना, नहीं आएगा ना, तो तुम्हारा भाई फिर से मेहनत करेगा, क्योंकि ये हार आज तक नहीं मानी मैंने क्या। और मतलब ना प्रॉब्लम ऐसी सी देखी मैंने सच में, जब यूट्यूब गया था ना अपना अकाउंट, मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना कैमरा था, कुछ भी नहीं था, गाड़ी वाड़ी कुछ भी नहीं था, फोन भी नहीं था ढंग का। आज मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी एक चीज नहीं मिली अपन को, इंस्टाग्राम।
ये उस पे बहुत सारी उस उधर की ऑडियंस अलग ही इकट्ठी करी मैंने एक आप लोगों के लिए, और बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए थे ना इंस्टाग्राम को उनको पता भी नहीं था मेरा यूट्यूब पर चैनल है, और बहुत सारे जुड़े हुए थे उनको पता था क्या। अब पता नहीं यार क्या हुआ अचानक से, अभी 2 लाख हो गए तुम्हारे भाई के, वो ब्लू टिक भी मिल गया था तुम्हारे को, तुम्हारे भाई को पता नहीं क्या हो गया अचानक से, फिर अकाउंट उड़ गया। मैं बहुत अपसेट था, वीडियो अपलोड करने गया था मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं तो यार सोनिया को बुला लेते एक बार, उसको सॉरी वोरी भी बोल देते हैं यार, उसको बता देते हैं ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ, क्योंकि यार प्रैंक प्रैंक तक ही रहता है, अगर कोई अपने साथ कुछ ज़्यादा ही हद कुछ हो गया ना ऐसा तो बताना पड़ता है, फिर आप लोगों को पता चल ही जाएगा। क्यों सोनिया का अकाउंट है, अगर नया अकाउंट बनाऊंगा तो वहाँ पे डाल लूँगा मैं। गाइस यार ना ऐसा है कि मैं मतलब इतना टेंशन में बोल नहीं पा रहा हूँ सच में, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रखा है मेरा अभी। मतलब मैं बात उस टें बात उसकी नहीं है कि यार मेरा अकाउंट उड़ गया, बात उसकी कि मैंने बहुत मेहनत करी है उस अकाउंट पे। मैंने 3 महीने के अंदर ना मैंने रात दिन एक कर दिया सच में, डायलॉग बना बना के, इधर से इधर वीडियो डाउनलोड करके, गाने दिन रात जोड़ के, धूप में दिन रोता फिरता। रात पता है मैंने इंस्टाग्राम के चक्कर में मैंने यूट्यूब रीला छोड़ दिया सच। और गाइस देखो मैंने भगवान भी टस ना तेरे खाटू श्याम जी पे, तो बात खत्म। वो तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकते इस तरह, वो कर देंगे सब कुछ सही, इस रो मत देखते यार। हैं जो किस्मत में लिखा होगा वो मिल तो जाएगा मेरे अपन को तो तू को। बड़ा कहता है कि मैं कभी रोता नहीं हूँ, कभी रोता नहीं हूँ, तो रो क्यों रहा है, गैस किसको दिखा रहा है आप तू? लोगों के सामने भी रो रहा हूँ क्या? नहीं रो रहा मेरे हूँ, को पता है ना, यहाँ मेरे को दिख मेरे रहा पास आंसू आ रहे हो नॉर्मली, और वो आते हैं सबके, क्योंकि ना वो होता है ना कि जैसे रो नहीं सकता यार, आंसू तो आ सकते हैं ना कम से कम, कोई बात अफसोस हो सकता है ना उस चीज का, नहीं यार अफसोस है मुझे इस नहीं चीज का तू कि मत मेरा रो, अकाउंट नहीं था मैं तेरे को रोते हुए नहीं देख सकती, तो बात मेरा। खत्म। रो मत बिल्कुल भी मत, हो ना ही आंसू आने थे, देखे इतनी सी बात है। तू चाहे मेरे को रुला ले जितना रुलाना, लेकिन तू मत रो, तेरी बाती की भी तो मैं रोती हूँ ना। आज 3 महीने पहले मेरे को किसी ने चैलेंज करा था, और सच में तुम्हारे भाई ने वो चैलेंज ना फाड़ के रख दिया। आज 3 महीने पहले कुछ फॉलोअर्स नहीं थे इंस्टाग्राम पे, तुम्हारे भाई ने ना इंस्टाग्राम के एक अलग रुतबा बना लिया, जहाँ जाता था जहाँ जानने वाले लोग मिलते थे सच में। और बहुत सारे लोग सर्च मार के देख रहे होंगे मेरा अकाउंट, जिनको नहीं मिल रहा होगा शायद, आई थिंक। देखते अगर कल इसी टाइम में वापस अप्लाई करना पड़ेगा मुझे, अगर हो जाता तो ठीक है। लेकिन बस मेरा इंस्टाग्राम डिलीट होने के बाद भी मैंने यहाँ पर सोनिया को बुलाया, इस लोकेशन पे आया, अगर नहीं आता तो चलता, अगर कहीं बैठ जाता रूम में लोग लगा के तो वो फिर चलता कि नहीं यार वो बंदा बैठ गया क्या। मेरे में बहुत हिम्मत है यार गाइस, मैं ना सहन कर सकता हूँ सच में सारी प्रॉब्लम क्या, इतनी हिम्मत है मेरे में क्या, सच में बहुत हिम्मत है, आज तक करता हूँ, 3 साल हो गई मेरे को सच में। बस करना देखो तो मेडिकल सब में, बस कर प्लीज यार। सपने बहुत बड़े हैं यार, क्या करें क्या, हो जाएंगे तेरे सपने और बहुत जल्दी पूरे होएंगे, ठीक है ना? जो लोग हंसेंगे ना तेरे पे, वो उनके मुंह भी बंद हो जाएंगे उस टाइम को। बहुत सारे सपने जो पूरे भी हो रहे हैं, कुछ रह गए जो अब करना उनको, तो बहुत यही सारे हैं मान ले कि यार। तेरी परीक्षा हो रही, भगवान तेरे परीक्षा ले रहे, बात खत्म। बस फालतू लोड मत ले, 24 घंटे होने दे पूरे, तेरा सब सही हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहा है? और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अपन न्यू चैनल खोलेंगे, तुम्हारी ऑडियंस तुम्हें फिर सपोर्ट चैनल करेगी नहीं ना। पेज इंस्टाग्राम, हाँ वापस अपन इंस्टाग्राम का गाइस पेज आप लोगों अकाउंट पर बनाएंगे नया, तेरी ऑडियंस है आप ना लोगों को यूट्यूब पता पे। है मेरे अभी फेसबुक पेज पे भी दिक्कत हो रही है, 2,10,000 फॉलोअर्स है और एक पेज मोनेटाइज पे पड़ा है, लेकिन अकाउंट उसी से बन रखा है, दोनों पेज मेरे होल्ड पे पड़े हैं। और उन लोगों को शर्म नहीं आती जो इसका फायदा उठाते हैं, अकाउंट बना लेते और हैं। बहुत सारे लोग जो मेरे एक बंदे ने बना रखा है वीर समर नाम से, वीडियोस वगैरह उठा के डाल रहा है, कोई तू दिक्कत नहीं टेंशन है। मत ले, मैं बोलता ही नहीं, मस्त रहो यार डालो, कोई दिक्कत नहीं है क्या ऐसा है। मैं किसी के साथ बुरा नहीं करता, आज तक नहीं करा, और ना किसी को बोलता हूँ कुछ क्या। अगर कोई सामने से गाली बकता है तो हाँ, तो मैं उसको रिटर्न जवाब देता हूँ, मेरे को कोई उंगली करता है तो मैं बोलता हूँ ना आज तक मैंने किसी के लिए कुछ बुरा बोला है, बट पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं मुझसे क्या। कुछ नहीं चाहते, वो यही चाहते कि बस सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, तो बट टेंशन मत ले। ऐसा है पर कि जब भी मेरे साथ बुरा होता है ना तो कुछ अच्छा ही होता है, तो आई थिंक भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, तो देखते हैं अब जो भी होगा। बाकी गाइस अभी जाते हैं यहाँ से, और मेरे को जिम जाना है, मैं ये सब चीज़ छोड़ नहीं सकता। अगर मैं इस चीज़ में घुस जाऊंगा ना कि यार मेरा अकाउंट उड़ गया, मैं रोने लग जाऊंगा, खुद डीमोटिवेशन हो गया ना, तो आप लोगों के लिए मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस वगैरह नहीं डाल पाऊंगा ना यूट्यूब पर डाल पाऊंगा। बस कर बेबी प्लीज, बस कर, तो बस करो मेरे को खुद प्लीज। को इस चीज़ को लेना पड़ेगा ठीक है ना। तो अगर ये
आप लोग सपोर्ट करना, दुआ करना, बस इतना ही बोलूंगा। बस गाइस प्रे करना कि बाबा शाम को का चैनल वापस आ जाए प्लीज गाइस। तो काटू शाम के जाएंगे अगले महीने वापस बाबा के, और दर्शन करके आएंगे आराम से। चलो देखते हैं, आ जाता तो ठीक है। अपने 2 लाख होने वाले थे इंस्टाग्राम पे।